हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकल हब में। तो लेकर आया हूं आप सभी के सामने एक और मज़ेदार सी वीडियो। जैसे मैंने आपको पिछली से वीडियोस में हमने आपको बताया था कि कुछ मैं सॉफ्टवेयर फ्री लाने वाला हूं, तो वो आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। जो भी इंग्रेविंग करता है, कुछ आपको मैं डेस्कटॉप पे कुछ इमेजेस दिखा देता हूं कि कुछ इस तरीके से जो भी इंग्रेविंग करता है, बनाता है अपनी फ़ोटो को गोल्डन पैनल पर या फिर कोई वुडन MDF बोर्ड पे या फिर अपना कोई भी XYZ अपनी फ़ोटो को इंग्रेविंग करके लेज़र मशीन से काम करता है, तो वो फोटो एडिट आज आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप 5-7 सेकंड में इनग्रेविंग के लिए फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो लास्ट में पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और जो आपको मैं सॉफ्टवेयर में दिखाने वाला हूँ, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए लेज़र मशीन से रिलेटेड, वो भी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, तो आप उसको जाकर फॉलो कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रोम पे आ गया। क्रोम पे मैं एक नया टैब खोल लेता हूं। तो आपको क्या लिखना है, इमेजर। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर जो है आपका लेज़र के ऊपर रहने वाला है। जैसा कि देख सकते हो, ये पूरा लेज़र इंग्रेविंग के लिए ही रहने वाला है। और ये एक इसका एक पेड वर्ज़न भी है। पेड वर्ज़न आपको कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले लिया था, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा आपका। जैसे कि ये आपका आएगा प्री इमेजेस, लेज़र डिज़ाइन, कुछ भी अपना कोई भी XYZ आपको चाहिए, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, ये मतलब ये सारे लोग्ड हैं। ठीक है, ये लोग्ड हैं आपके, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, लाइसेंस वाले हैं। इमेजेस मिलेगी इसमें, कुछ आपको काम का नहीं है, ये इंग्रेविंग के लिए है सारा। जैसे कि देख सकते हैं, जो CNC राउटर में काम करते हैं या फिर कोई भी अपना CO2 या फिर अपना लेज़र XYZ चलाते हैं, इसमें एक खासियत ये है कि आप 3D के लिए भी इंग्रेविंग ले सकते हो, मतलब बना सकते हो, एडिट कर सकते हो, वो भी 5-7 सेकंड में। तो सबसे पहले मैं आपको ये सब सारा समझा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको फ़ोटो को बताऊँगा कि कैसे एडिट करते हैं। सबसे पहले हमारा इमेजर रहेगा। इमेजर में आपका क्या रहेगा कि फ़ोटो आपका, जैसे कि आप देख सकते हो, अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। अपलोड करनी है आपने इमेज, कलर्ड है तो कलर्ड, ग्रे स्केल है तो ग्रे स्केल। ग्रे स्केल में क्या होता है कि कोई भी आपकी अगर ब्लैक एंड वाइट है तो ब्लैक एंड वाइट इमेज ले सकते हो। कलर्ड में हम जाते हैं, कलर्ड में हमने इमेज कोई भी सिलेक्ट करी। तो हमने कलर में इमेज सिलेक्ट करी कोई भी, तो इमेज ये ले लेते हैं या फिर कोई भी XYZ ले लेंगे, ये वाली ले लेते हैं। तो एक ये खुल गया इंटरफेस हमारे को, फोटो जो आ गई, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर दिख सके। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो रिसाइज करना है। रिसाइज में क्या होता है कि इसकी थोड़ी सी रिजोल्यूशन है, थोड़ा सा रिजोल्यूशन बढ़ा देंगे, 270 कर देंगे, जिससे कि आपका जो क्लैरिटी है फ़ोटो की, जो वो इनग्रेविंग होगी वो अच्छी आए। जैसे कि देख सकते हो, ये हमारा हो गया है इस तरीके से। तो इसके बाद आपके पास कौन सी मशीन चला रहे हो, कौन सी आप किस पर इनग्रेविंग करनी है, एक्रेलिक पे या वुड पे या फिर अपना कोई भी लेदर पे, तो उसके हिसाब से ले लेते हैं। CO2 है, CO2 आप मशीन चला रहे तो CO2 ले लेते हैं। ग्रे स्केल, अगर ग्रे स्केल में आपको मैंने बताया कोई 3D आइटम होती है तो वो इस्तेमाल की जाती है। CO2 ग्लास नहीं है हमारा, ये हमारा कोई भी स्लेट नहीं है, एक्रेलिक नहीं है, लेदर नहीं है, हमारे को वुड पे करनी है। तो वुड पे हमने ले ली CO2 वुड। CO2 वुड के बाद आपको क्या करना है, आपकी फ़ोटो 5 सेकंड के अंदर आपकी कुछ इस तरीके से एडिट हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपकी एडिट हो जाएगी ये इंग्रेविंग के लिए। अब यहाँ से आप डाउनलोड करना चाहो तो वो डाउनलोड कर सकते हो, BMP पे, PNG में, JPG में, जिसमें भी आप चाहो तो वो कर सकते हो इजीली। अगर मटेरियल, अगर CO2 की जगह आप एक्रेलिक करना चाहते हो, जैसे ट्रांसपेरेंट या फिर कोई भी आप नाइट लैम्प बनाते हो, तो नाइट लैम्प के लिए भी बहुत फ़ायदा रहता है काफ़ी क्लाइंट्स के लिए। जैसे कि देख सकते हो, कुछ इस तरीके से
देखो जैसे कि ये नाइट लैम्प के लिए कन्वर्ट हो रही है पूरी फाइल, जो ब्लैक है वो थोड़ा इनग्रेविंग करेगा और शाइन करेगा, आँख जो है वो थोड़ी सी लाइट इनग्रेविंग करेगा, जिससे कि आपका जो फेस है वो चीज़ हो। अगर इसका सब्सक्रिप्शन अगर आप ले लेते हो ना, तो उसमें क्या होगा, प्रीव्यू भी दिखाएगा कि कैसे आपको बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो वो सारा मतलब कि बेकार है। लेकिन फ़ोटो की क्वालिटी जब अच्छी होगी आपकी और बैकग्राउंड रिमूव होगा, तो वो अपना जो है आपका प्रोडक्ट है वो फिनिशिंग भी अच्छी करेगा और सारा ही मतलब कि बहुत ही बेहतरीन निकालेगा। जो प्रोफेशनल जो लेज़र यूज़र्स होते हैं वो सारा यही चलाते हैं, वही इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आपका काम भी आसान रहता है और आपको टाइम भी नहीं बचता है आपका बहुत ज़्यादा एडिटिंग के लिए। अब जैसे कि आपका बीजी रिमूवल है, कंट्रार में क्या होता है, कंट्रार में हम जाते हैं, कंट्रार पेड वर्जन के लिए है, वो आउटलाइन निकालता है ऑब्जेक्ट की। पजल में जाते हैं, पजल में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, पजल में आपका जो इंग्रेविंग के लिए पजल आप तैयार करते हो तो वो चीज़ है। अपलोड अगर आपने यहाँ पे इमेज करनी है तो यहाँ पे अपना अपलोड कर सकते हो, कुछ इस तरीके से इंग्रेविंग करेगा, वो डाउनलोड SVG करेगा ताकि वो आपकी लाइन भी निकाल सके। यहाँ पे अपना साइज पीसीज जितना भी आप लेना चाहो, जैसे कि हमने 6 ले लेते हैं, जो ऐसे में 6 आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हमने 5x5 की लेनी है तो 5x4 की ले लेते हैं ताकि आपका ठीक आए। और साइज हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया, 100x100, ठीक है, 100x100 स्क्वायर में बन गई कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। मास्किंग में भी आपका पेड वर्जन में है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, वो चीज़ आपका इंग्रेविंग ही करता है, लेकिन वो चीज़ है थोड़ी सी एक्स्ट्रा करता है, मतलब कि ब्रीफ इंग्रेविंग करता है, जैसे कि छोटे से छोटा बारीक से बारीक आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन फ़ोटो की क्वालिटी भी आपकी हाई होनी चाहिए। लेकिन फ़ोटो की क्वालिटी कस्टमर जो है वो हाई उसको प्रेफर नहीं करता, उनके पास मोबाइल की कैमरा की होती है, तो इसलिए आप नॉर्मली इमेजर इस्तेमाल कर सकते हो फ्री वाला। अब स्लाइजर में कुछ नहीं होता, वो आपकी फ़ोटो को मतलब कि पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, मतलब डिवाइड कर देता है, 4x4 में करना चाहते हो, 6x6 में, तो इंग्रेविंग कैसे पार्ट में करना चाहते हो तो वो अपने पार्ट में आपका कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरीके से। जैसे कि देख सकते हो जनरेट करेंगे तो आपका वो जनरेट हो जाएगा, 6x6 में कर देते हैं। थोड़ा सा हमारा नेट स्लो चल रहा है तो उसके कारण जो है जनरेट कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिक कर देगा जनरेट। जैसे कि देख सकते हो ये 6x6 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, वो 6x6 पीसेस में आपका कन्वर्ट कर दिया उस तरीके से। अब बीजी रिमूवर क्या है, बैकग्राउंड रिमूव करेगा जैसे कि आप देख सकते हो। और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर आपको डायरेक्ट खोलना है अपने पीसी में, तो ये वीडियो अपने पीसी में ओपन करके आप अपना सीधा डायरेक्ट, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो ये आप जाके कर सकते हो। इसका क्या है कि PNG बना देगा, जैसे बैकग्राउंड हटाना है कोई भी फ़ोटो का तो वो चीज़ आपके लिए सही रहती है। अब जैसे कि ये देख सकते हो हमने कर दिया अपलोड कर दी कुछ इस तरीके से आ गई, तो वो हमने यहाँ से डाउनलोड कर ली। कार्टूनाइजर में क्या है, अगर हमने बैकग्राउंड हटाया है यहाँ से तो हम यहाँ पर इमेज आर करेंगे तो अपलोड करेंगे, कलर्ट करेंगे, तो यहाँ से हमने ये ले ली, तो हमने ये इस तरीके से हमने कोई भी इमेज ले ली जो हमने बैकग्राउंड रिमूव कर रखी है कुछ इस तरीके से। हमने थोड़ा सा अगर हमारी DPI थोड़ा सा ज़्यादा ही है इस फोटो में तो CO2 में गए, वुड में लेना है वुड में, ठीक है, कंटिन्यू एनीवेज कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। और यहाँ से आप अपना एडजस्ट कर सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ानी है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, थोड़ी सी ब्लैक फिश जो आपकी जो इंग्रेविंग होगी वो थोड़ी सी डार्क करनी है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो जैसे कि ये कुछ इस तरीके से करेगा, तो फ़ोटो की क्वालिटी एक नंबर की रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत इंग्रेविंग करके देख रखा है। इनहेंस मतलब कि थोड़ा सा आपकी शार्पनेस बढ़ाएगा इसमें, रिजोल्यूशन थोड़ी सी हाई करेगा इसमें, लेकिन ये पेड वर्जन के लिए है, आप पेड वर्जन ना लें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। आपको मैं कुछ और भी बेनिफिट्स वीडियो दिखाता हूँ इसके रिलेटेड जो है हमारी अपलोड करते हैं। यहाँ पे हम वेक्टराइज में आपका क्या रहेगा कि अगर गोल्डन पैनल में बना रहे हो आप तो वेक्टराइज आपको इस्तेमाल करना है जैसे कि कुछ इस तरीके से, लेकिन हमारी फ़ोटो जो है हमारी थोड़ी सी इस तरीके से आ रही है तो ब्राइटनेस थोड़ी सी अगर हम कम कर देंगे तो वो फेस भी ले लेगा,
ठीक है, अगर हमने कोई भी अपलोड करी एक्स वाई जेड, हमने ये वाली अपलोड करी, तो फोटो की क्वालिटी के ऊपर होता है मेन। हमारी जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से आपका दिख रहा है। अगर हम इसको बैकग्राउंड भी रिमूव कर देंगे तो आपका सही रहेगा, लेकिन हमारा देख सकते हो आप बैकग्राउंड हमारा थोड़ा इस तरीके से दिख रहा है। अगर हम बैकग्राउंड हटाएं किसी एक और फोटो का, तो जैसे कि हमने ये हटा रखा है, ये हटा रखा है, इसका ले लेते हैं एक और, ये वाली इमेज नहीं खोली हमने। जैसे कि देख सकते हो ये हमारी बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह हमारा बैकग्राउंड जो है मात्र 2 सेकंड के अंदर अंदर हमारा जो है वो कर दिए, सेव कर लिए, वेक्टराइज में गए, अपलोड में गए। अपलोड में जाने के बाद हमने शायद यही थी, ये वाली थी हमारी जो है अपलोड कर दी, कुछ इस तरीके से वेक्टराइज हो जाएगी। लेकिन क्वालिटी जो है हमारी, ब्राइटनेस अगर बढ़ाना चाहो, लाइट करना चाहो, वो चीज़ आपके ऊपर है। जैसे इनकी आई थोड़ी सी नहीं दिख रही है, थोड़ी सी वो लाइट कर दोगे हल्की सी, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हो फोटो, क्योंकि ये खाली पार्ट जो आपकी फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो होती है वो अगर लेंगे तो आपकी जो क्वालिटी रहेगी वो बिल्कुल क्लियर रहेगी। कलर करेक्शन करते हैं, कलर करेक्शन में आपका कलर ग्रेडिंग हो जाएगा, फिल्टर की तरह इस्तेमाल होता है ये वाला पोर्शन जो है, तो इसमें भी ये पेड वर्जन है। शार्पनेस, इसमें शार्पनेस बढ़ाएगा फ़ोटो की, ठीक है ना, देख सकते हो आप। ये ऑफलाइन वर्जन है, ऑफलाइन में ऐप होगा, अगर ऐप डाउनलोड करना चाहो वो, और लॉगिन करना चाहो लॉगिन कर सकते हो। स्कैन गैप मेड इन विद लेज़र इमेज, मतलब कि ये चीज़ ट्यूटोरियल्स डाल रखे इन्होंने, फ्री इमेजेस, अगर फ्री इमेजेस कुछ डाउनलोड करना चाहते हो तो वो चीज़ है इसमें। अभी मैं आपको ये खुलता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ लेज़र डिज़ाइंस, इनमें लेज़र डिज़ाइंस भी दे रखे हैं। पहले फ्री इमेजेस दिखा देता हूँ कुछ, अगर ये फ्री इमेजेस आपको दिख रहे हैं तो ये कुछ ये इमेजेस मिलेगी, ये मत समझना कि डिज़ाइन मिलेंगे, इमेजेस मिलेगी खाली आपको, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आपको इनग्रेविंग कर सकते हो ये चीज़, और ये डिज़ाइंस आपको दे रखे हैं। ये बहुत ही महंगा पड़ गया था मेरे को, क्योंकि ये जो चीज़ थे उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, सारे अलग अलग थे, और लेकिन क्वालिटी इसकी थोड़ी सी हमारे ने देखी तो हमने कुछ हमने खुद ही एडिट करना पड़ा ये जो था। $10 का है, मतलब कि 800 का, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास डिज़ाइंस थे भी नहीं, बस गिनती के 10-12 डिज़ाइंस दे रखे थे, तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो खाली आप इसमें इतना ही आप देखें कि इनग्रेविंग करना जाने कि आपको ये चीज़ आपको कैसे करनी है, इनग्रेविंग कैसे करनी है। अगर लेदर पे करनी है तो लेदर पे आप कैसे करोगे, अब लेदर का मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं ये वाली ले लेता हूँ, MDF पे तो मैंने आपको दिखा दिया, एक्रेलिक पे भी दिखा दिया, और आपका जो वेक्टराइज में आपका ले रहेगा कुछ उसका ही रहेगा आपका लेदर, कुछ आपका जो गोल्डन पैनल बनाते हो तो उसका ही रहेगा। तो लेदर में मतलब जैसे लेदर की जो चीज़ें होती है, पर्स हो गया, बेल्ट हो गई, तो इस तरीके से रहेगी। जैसे कि देख सकते हो प्रीव्यू इसमें शो नहीं हो रहा, लेकिन प्रीव्यू करने के बाद आप देखोगे तो बहुत क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने इसको ये वीडियो आपको पसंद आई तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।